हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन डायरेक्ट ने वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं पोको फोन के बारे में। हाँ, ये तीसरा दिन है, हम तीसरा वीडियो बना रहे हैं पोको के बारे में। लेकिन आज हम बात करते हैं कि ये फोन ऐसा क्या कर रहा है जिसके कारण दूसरे सारे ब्रांड्स को प्रॉब्लम होने वाली है। हो सकता है सैमसंग, ओप्पो, वीवो, आसुस, ये सारे ब्रांड्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वन प्लस और पोको के बारे में। दोस्तों, अगर आप देखोगे वन प्लस के बारे में, तो कुछ साल पहले जब वन प्लस पहली बार जब लॉन्च हुआ था, तब उन्होंने लॉन्च किया था वन प्लस वन, जो एक एग्रेसिव हार्डवेयर बेस्ड स्मार्टफोन था। अगर हम बात करें उसके सॉफ्टवेयर की, तो वहां पर सॉफ्टवेयर भी उनका था साइनोजन मॉड, जो भी एक बहुत ही वेल नोन ओएस था उस समय के लिए। और उसके बाद तो काफी चेंजेस हुए, आइट्रेशन आए, और फाइनली अभी वो रन कर रहा है ऑलमोस्ट स्टॉक की तरह ही ऑक्सीजन ओएस। बट अगर हम बात करने वन प्लस के जर्नी की, तो वहां पर वन प्लस ने कभी ऐसा नहीं किया ओप्पो वीवो की तरह या फिर सैमसंग की तरह की बहुत सारा पैसा उड़ा दिया मार्केट के अंदर और अपने फोन की ब्रांडिंग कर दी। नहीं, बहुत ही स्मार्टली अपने फोन को एग्रेसिवली प्राइस किया था और बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर दिया, और उसके बाद ओवरऑल एक ऐसा पैकेज दिया जिसके लिए लोग सामने से भाग रहे थे उनके फोन खरीदने के लिए। और अब लगता है कि पोको ने भी वही चीज की जो अभी तक शॉमी करते आ रहा है। हाँ दोस्तों, मुझे लगता है जहां पर इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम है वन प्लस की तरह। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो अभी फ्लैगशिप चिपसेट्स के लिए दो ही चिपसेट्स जानी मानी जाती हैं। एक है क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट और दूसरा है वावे का खुद का किरिन 970 चिपसेट। अगेन, ये वावे का जो चिपसेट है वो सिर्फ ऑनर और वावे चिप स्मार्टफोन्स के अंदर ही मिलता है, लेकिन क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 845 सारे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के अंदर मिल जाता है। हो सकता है सैमसंग का गैलेक्सी S9, S9 प्लस या फिर नोट 9 या फिर आसुस का ज़ेनफोन 5Z, ओप्पो का जो भी लेटेस्ट स्मार्टफोन है, वीवो का जो भी लेटेस्ट स्मार्टफोन है, कोई भी और ब्रांड का लेटेस्ट स्मार्टफोन जो है उसके अंदर आपको यही चिपसेट मिल जाता है। और सारे स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग बहुत ही डिफरेंट है। अब तक सबसे सस्ते में सस्ता जो स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट का स्मार्टफोन अवेलेबल था मार्केट में, वो था आसुस की तरफ से, जिसकी प्राइसिंग थी 30,000 रुपीस। और हमें लगा कि शॉमी उस सेगमेंट में अब लॉन्च करेगा अपना खुद का एक स्मार्टफोन। हालांकि उन्होंने इंटरनेशनली लॉन्च किया था MI 8 स्मार्टफोन, जो इंडिया में उन्होंने ऑफिशियली लॉन्च ही नहीं किया। इनफैक्ट MI नोट 3 भी एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन लॉन्च किया था उन्होंने, वो भी इन्होंने इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं किया। आई थिंक शॉमी का MI 5 के बाद कोई भी प्रीमियम सेगमेंट के अंदर कोई मतलब सीरियस स्मार्टफोन आया ही नहीं जिसको लगा कि इंडिया के अंदर वो बहुत ही बड़ा काम कर पाएंगे और बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर ले पाएंगे, और जिसके लिए फाइनली वो लेके आए हैं एक नई स्ट्रैटेजी, और वो है वन प्लस की तरह ही एग्रेसिव हार्डवेयर, मतलब बेस्ट हार्डवेयर लेके आओ और एक एग्रेसिव प्राइसिंग के ऊपर उसको ऑफर कर दो। और यहाँ पर दोस्तों पोको फोन ऑफर कर रहा है आपको वही फ्लैगशिप 845 चिपसेट, जिसके अंदर आपको थोड़ी बहुत AI कैपेबिलिटीज भी मिल जाती है कैमरा के अंदर, और ये अवेलेबल है आपको 20,000 के प्राइस पॉइंट के ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द प्राइस ऑफ सैमसंग, ओप्पो या फिर वीवो के आधे प्राइस में आपको मिल रहा है वही चिपसेट बेस्ड स्मार्टफोन। अब इसके पीछे एक और रीजनिंग है कि शॉमी कैसे आपको ये स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट के ऊपर ऑफर कर सकता है। बेसिकली हमेशा की तरह शॉमी अपने स्मार्टफोन्स बेचता है सिर्फ ऑनलाइन, मतलब प्राइमरली ऑनलाइन सेंट्रिक। हाँ, अभी रिसेंट समय में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ ऑफलाइन स्टोर्स के साथ टाइप किया हुआ है, जैसे कि संगीता मोबाइल या फिर अलग अलग स्टोर्स के साथ, चेन्स के साथ उन्होंने टाइप किया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन प्राइसिंग की, तो यहां पर जैसे कि अगर हम बात करें ओप्पो की या फिर सैमसंग की, तो वो 10-15-20% तक कमीशन देते हैं अपने स्टोर्स को, और उसके बाद ना ही स्टोर्स में कमीशन होता है, उसके बाद होता है स्टेट लेवल कमीशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कमीशन, हर जगह उनको पैसे देने पड़ते हैं। यहां पर शॉमी को ये सब देना नहीं पड़ता है, उसके कारण मेजोरिटी ऑफ द प्राइस डिफरेंस होती है यहां पर उस पॉइंट के ऊपर। अगर आप 20-25% अगर कमीशन में निकाल देते हो, या फिर अगर आप बात करते हो बैनर्स की, तो आपने कभी एयरपोर्ट के बाहर कभी देखा है शॉमी के बैनर्स? हो सकता है मैंने कहीं गलती कर दी हो रिसर्च में, लेकिन मैंने कभी शॉमी का कोई बैनर मेरे हैदराबाद के एयरपोर्ट या फिर दिल्ली एयरपोर्ट में तो नहीं देखा। अगर मैं दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर आता हूं, तो वहां पर है सैमसंग के बड़े बड़े बैनर्स या फिर एप्पल के बैनर्स या फिर वन प्लस के बैनर्स, लेकिन मैंने कभी शॉमी के बैनर्स कहीं पर नहीं देखे। अगेन मैं बोल रहा हूं, हो सकता है कहीं पर उन्होंने मार्केटिंग की होगी, लेकिन इनकी जो भी मार्केटिंग होती है बहुत ही लिमिटेड होती है, क्योंकि यहां पर ये फोकस करते हैं बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पॉइंट के ऊपर, और वहां पर कंज्यूमर्स खुद उनके प्रोडक्ट्स को लेने के लिए आते हैं, ना ही ब्रांड्स अपने फोन्स की मार्केटिंग करते हैं हर जगह और फोन्स को आपके ऊपर पुश करते हैं। तो वहां पर अगर कंज्यूमर की तरफ से पुल ज्यादा है, ऑब्वियसली ब्रांड को कोई मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसके बाद तीसरी बात है, यहाँ पर हार्डवेयर फोकस्ड जो है इनका वो बहुत ही अच्छा है।
Xiaomi ने अपने प्रीमियम सेंटर के एक नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लॉन्च तो किया है जो है पोको F1, लेकिन अगर यहाँ पर वो ऑफर करते थे आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 636 या फिर 670 तो यार इतना मजा नहीं आता। तो इन्होंने क्या किया, सबसे बेस्ट हार्डवेयर जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो है स्नैपड्रैगन 845, 6GB, 64GB या फिर 6128 या फिर 8+256 जो इनका बेस्ट एडिशन है जो मेरे पास है आपको जो मैं अभी गिव अवे भी कर रहा हूँ, वो एडिशन इन्होंने लॉन्च किया 30,000 के प्राइस के नीचे। अब अगर आप देखोगे OnePlus का बेस्ट एडिशन जो है वो है 45,000 का जो है इनका एवेंजर्स एडिशन, और उसके बाद दूसरे जो भी ब्रांड्स हैं उनके रेस्पेक्टिव एडिशन जो हायर प्राइस होते हैं, अगर हम बात करें सैमसंग की तो आई थिंक उनका जो 8GB रैम या फिर हायर स्टोरेज एडिशन है वो करीब 80,000 के प्राइस पॉइंट के ऊपर सेल हो रहा है। तो बेसिकली उस हिसाब से इन्होंने बहुत ही प्राइस एग्रेसिव और एक बेस्ट हार्डवेयर प्रोवाइड कर दिया है अपने स्मार्टफोन के अंदर। और इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे चीजों की तो यहाँ पर Xiaomi का फेलियर रहा है कंटिन्यूअसली पिछले कुछ सालों में प्रीमियम सेगमेंट को लेकर, उनका Mi Note 3 सक्सेसफुल नहीं था और मतलब सक्सेसफुल इन द सेंस कंज्यूमर से कोई मतलब डिमांड नहीं आया था। अगर हम बात करें सैमसंग के S9 की, अभी S10 आने वाला है, जैसे ही सैमसंग का लॉन्च आएगा लोग सामने से पूछेंगे S10 के फीचर्स क्या हो सकते हैं, या फिर नोट 9 से पहले नोट 9 का थोड़ा बहुत बज था। Xiaomi की जब भी बात होती है तो यहाँ पर प्रीमियम सेगमेंट में कंज्यूमर की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं था। MI8 आया चला गया, चाइना में ऑब्वियसली अच्छी सेल हो रही है उनकी MI8 की, MI Note 3 की, Mi Mix 2S इंडिया के अंदर आया था, आज के डेट में कोई नहीं पूछता उसे, हालांकि वो कंप्लीट बेजललेस स्मार्टफोन है बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट या फिर डिमांड। और ये इसीलिए क्योंकि कंज्यूमर्स अभी Xiaomi को एक बजट कैटेगरी में ही मानते हैं कि एक स्मार्टफोन ब्रांड है जो बहुत ही सस्ते में फोन ऑफर करता है 10,000 या 15,000 के प्राइस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि Xiaomi ने अच्छा गेम खेला, यह ना करके कि एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया जो होगा मेड इन इंडिया और Xiaomi F1 फोन, तो उससे यार लोग फिर भी ना खरीदते। यहाँ पर क्योंकि पोको है लोगों को लगता है कि यार पोको क्या है, अब बात होगी कन्वर्सेशन शुरू होगा लोगों के, एक दूसरे के अंदर बातें निकले कि यार इसके अंदर सबसे बेस्ट हार्डवेयर मिलता है, Xiaomi का ये MIUI सॉफ्टवेयर मिलता है और ओवरऑल वही सर्विस, इनकी हर जगह सर्विस है ही है। तो उस हिसाब से कंज्यूमर को भी एक नया प्रोडक्ट मिल गया और अब वो उसके ऊपर प्रीमियम सेगमेंट के लिए उनके ऊपर इंटरेस्ट देना शुरू करेंगे। और अगर हम बात करें कि Xiaomi किस हिसाब से इस प्राइसिंग को कम कर सकता है, तो यहाँ पर दोस्तों Xiaomi का ऑब्वियसली बिजनेस प्लान बहुत बड़ा है, यहाँ पर बिजनेस वॉल्यूम बहुत ही बड़ा इन्होंने सोच के रखा हुआ है, तभी तो इनको चिपसेट भी बहुत कम प्राइस में मिल रहे हैं, प्लस इनका ऑलरेडी इतना बड़ा सिस्टम चल ही रहा है, फैक्ट्रीज हर जगह लगे हुए हैं इंडिया में, हैदराबाद के पास श्री सिटी जो है आंध्र प्रदेश के अंदर वहाँ पर भी उनके सेटअप्स है जहाँ पर वो फोन्स को मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बिजनेस वॉल्यूम में रखते हो और टारगेट सही होते हैं तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट कटिंग होती है, और वही कॉस्ट कटिंग अगर आप कंज्यूमर को पुश करते हो तो आई थिंक वो बहुत सही तरह से चल जाती है। तो मेरे हिसाब से इसीलिए मुझे लगता है कि पोको ने मुझे OnePlus के इनिशियल OnePlus One की याद दिला दी, और मुझे लगता है कि यार अगर आप 20,000 के अंदर आपको मिल जाता है Snapdragon 845, 6GB RAM, 64GB स्टोरेज, तो आई थिंक दिस फोन इज इजीली गोइंग टू कम्पीट विद Asus Zenfone 5G या फिर Samsung के साथ, या फिर हो सकता है Oppo के जो भी लेटेस्ट F9 Pro स्मार्टफोन है उसके साथ। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये Samsung की तरह आपको ऑफर करेगा बेस्ट डिस्प्ले या फिर Note 9 की तरह स्टाइलस ऑफर करेगा, ये उन लोगों के लिए जिसको चाहिए बेस्ट हार्डवेयर, मतलब वन ऑफ द बेस्ट हार्डवेयर एटलीस्ट एट ए बजट प्राइस पॉइंट, उनको नहीं खर्चना है 40,000-50,000 रुपए, देन आई थिंक पोको इज समथिंग दे शुड लुक फॉरवर्ड टू। अगेन मेरे हिसाब से ये तो इनका इनिशियल स्मार्टफोन है, डाउन द लाइन बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जैसे ही अगर आप देखेंगे पोको ने अगर लॉन्च किया है एक स्नैपड्रैगन 845 स्मार्टफोन 20,000 रुपए, F2, F3, F4, F5 जो भी आएंगे तब आएंगे बहुत ही मजा, क्योंकि तब वो ऑफर करेंगे कुछ हटके फीचर्स और डायरेक्टली कम्पीट करेंगे सारे ये वेल नोन ब्रांड्स जो भी है सैमसंग, ओप्पो, वीवो, असुस या फिर OnePlus के साथ। तो बस ये थे मेरे थॉट्स किस हिसाब से मुझे लगा कि पोको मुझे याद दिलाता है OnePlus की, और क्यों मुझे लगता है कि दूसरे सारे ब्रांड्स की थोड़ी बहुत तो बैंड बजी गई है। तो देखते हैं कि प्रीमियम सेगमेंट में बाय एंड ऑफ द ईयर Xiaomi का कितना मार्केट शेयर अब हो जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि मेरे पॉइंट सही है, आप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, आपको भी लगता है कि पोको ने बहुत ही सही काम किया इस फोन को लॉन्च करके इंडिया के अंदर, तो कमेंट सेक्शन में मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। और दोस्तों हम गिव अवे कर रहे हैं हमारा जो स्पेशल एडिशन यूनिट है जो है 8GB रैम प्लस 26GB स्टोरेज का यूनिट आप लोगों के साथ, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर जिसके अंदर आप जाकर इस गिव अवे के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। सो बस इतना सही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मैं अमित और मैं मिलता हूं आपको हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।